एक गांव में एक सज्जन को अंगूठी मिली शादी में तो जहां भी जाएं हाथ हिला हिला के बात करें और आपका स्वास्थ्य कैसे और आप कैसे? अब लोग देखे भाई होगा एक दिन गई मिठाई वाले की दुकान पर पंडित जी की दुकान पंडित जी स्वस्थ चदर डाले बैठे और ये लड्डू कैसे दिए ये पेड़े कैसे दिए ये जलेबी कैसे दिए ऐसे पंडित जी ने देखा कि अंगूठी दिखा रहा है ऐसे बार बार तो पंडित जी बड़ा बाजू बंद बांधे थे हाथ में सो तो जो वो ऐसे दिखाए ये कितने दिये, कितने दिए पंडित जी ने ऐसे चदर उठाया ऐसा हाथ किया उन्हें सभी एक भाव है ले जाओ जैसे लेना सब एक भाव है अरे भाई परशुराम जी भी फरसे की तरफ देख रहे हैं बोले चिते परस की ओर आगे ताकि ये भी देखें लक्ष्मण जी ने देखा ही नहीं तब परशुराम जी खुद बोले परस विलोक महीप कुमारा मेरा फरसा देख अब यहां भी कितनी मर्यादा की बात है लक्ष्मण जी ने कहा यह बड़ी कृपा है भगवान की कि हम आपका फरसा नहीं देख रहे फरसा देखते तो कभी का झगड़ा हो जाता तो ये झगड़ा रुका क्यों है का झगड़ा इसलिए रुका है क्योंकि हम आपका फरसा नहीं देख रहे हैं हम तो आपकी जनेऊ देख रहे हैं भ्रगुसो तो समुझे जनेऊ विलोकी आप महाराज भ्रघुवंशी हैं ब्राह्मण हैं आपका यव्योपवी देखकर हम हाथ जोड़े हुए हैं अब तो परशुराम जी ने कहा कि तुम मुझे साधारण ब्राह्मण समझते हो कटवादी बालक बध जोगो हर्षा उठाया लक्ष्मण जी बोले समझ गया समझ गया दर्जा दो का भी गणित आपको नहीं आता है कहा कैसे कहा गणित में भी कुछ अंक काटने पड़ते हैं एक सवाल होता है भाग और भाग के तीन विभाग भाजक भाज्य भजन फल भाजक के द्वारा भाज्य को विभाजित करते हैं दाई और भजन फल अंकित होता है कभी कभी भाग लगाते लगाते अंत में शेष बच रहता है ये शेष क्यों बचता है परशुराम जी बोले कटता नहीं है लक्ष्मण जी बोले जब गणित का शेष नहीं कटता तो ये पाताल का शेष कैसे कट जाएगा जो परसा ले लेकर आप में काल है भाजक सृष्टि है भाज्य और काल भी जिसको नहीं काट पाता है। नैनम छिंदनती शस्त्राणी नैनम पावगा। स्वामी राम तीर्थ जी बोलते थे मौत 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 की भी मौत आएगी जब मेरी राम जी मुस्कुराए परशुराम जी ने उधर फरसा दिखाया लक्ष्मण जी बोले हिंदी भी नहीं आती ज्ञान अखंड एक सीता पर अखंड का जो खंड करना चाहे